नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है, भारत सरकार मुफ्त सोलर पैनल बांट रही है, इसके लिए आपको अपनी जेब से एक ढेला नहीं खर्च करना है, बस रजिस्टर कीजिए और सोलर पैनल पा लीजिए। लोग फेसबुक पर पोस्ट लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हैं कि लोग मुफ्त में सोलर पैनल हासिल कर सकते हैं। अब अंधा क्या मांगे दुआ के, बिजली का बिल तो वैसे भी हमारा खून जलाता है, ऊपर से साल भर हमारे यहाँ झिलमिल धूप चमकती रहती है, खुद का सोलर पैनल होगा तो खुद की बिजली होगी और खर्चा कुछ नहीं। हमारी ये पड़ताल इसी मैसेज पर है। हमारे एक रीडर मनु ने हमें मेल भेजा कि उन्हें व्हाट्सएप पर यह मैसेज मिला। इसमें लिखा है, अब हर घर होगा रोशन, सौजन्य से सौर एवं ऊर्जा विभाग भारत सरकार। अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें और अपनी नज़दीकी तहसील से अपना सौर पैनल बिल्कुल फ्री प्राप्त करें। इसके नीचे एक लिंक दिया हुआ है जिस पर रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है। पर क्या है इस मैसेज की सच्चाई? पड़ताल के लिए हमने सोचा कि पहले खुद ही रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। मैसेज में जो लिंक दिया गया था हमने उस पर क्लिक किया, एक वेबसाइट खुली। इसका नाम था govt.free-solar-panel.org। नाम से भ्रम होता है कि सरकारी वेबसाइट होगी जिसे खास तौर पर ये फ्री सोलर पैनल बांटने के लिए बनाया गया, लेकिन ऐसा है नहीं। सरकारी वेबसाइट्स के URL इस तरह के नहीं होते हैं। इस पेज के ऊपरी हिस्से में लिखा है कि भारत सरकार हर घर रोशन नाम की एक स्कीम लाई है, इसके तहत सभी गांवों में सोलर पैनल बांटे जाएंगे। सरकार ने फैसला किया है कि इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, जिसे भी स्कीम का फायदा लेना हो वो खुद को रजिस्टर करे। ये देखिए इस पेज का स्क्रीनशॉट। और ये रहा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसमें चार कॉलम हैं, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, राज्य और गांव का नाम। इसके नीचे हरे रंग का एक टैब है जिस पर रजिस्टर नाउ लिखा है, मतलब कि आपको चारों कॉलम में मांगी गई जानकारी भरनी है और फिर रजिस्टर नाउ टैब पर क्लिक कर देना है। पेज में सबसे नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी हैं, जिसके अक्षरों का साइज बहुत छोटा है, जूम करके देखा तो पढ़ने में आया। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जैसा तो कुछ दिखा नहीं, ब्लॉकचेन और बिटकॉइंस के बारे में लिखी जानकारी मिली। जो लिखा है उसके यहाँ पर होने का कोई मतलब नहीं है, ये बेतुका है। ऐसा लग रहा है कि कहीं से उठाकर बस इसे यहाँ पर चिपका दिया गया है। हमने इस टेक्स्ट को गूगल सर्च किया, गूगल हमें दो क्विज वेबसाइट्स पर ले गया। लकी ड्रॉ टाइप वेबसाइट की आसान से सवाल का जवाब दीजिए और खूब पैसा जीतिए। सवाल क्या है कि नीचे दिए चार ऑप्शंस में से भारत की राजधानी कौन सी है। ये फर्जी टाइप के लकी ड्रॉ होते हैं। इन दोनों वेबसाइट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस में हमें यही ब्लॉकचेन और बिटकॉइन वाला टेक्स्ट मिला। खैर, हमने बिना एक भी कॉलम भरे रजिस्टर नाउ पर क्लिक किया और पता है क्या हुआ, अगला स्टेप खुल गया बिना कोई डिटेल दिए। अगले पेज पर दो टैब हैं, एक व्हाट्सएप पर शेयर करने का, दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर पाने का। बिना कोई ब्यौरा लिए ही रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करने का ऑप्शन आ गया। अब देखिए क्या होगा, ऊपर की तरफ शेयर ऑन व्हाट्सएप वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिएगा तो इनवाइट प्रोसेस खुलेगा। आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा गैप भरेगा, आप कुल 10 बार क्लिक करेंगे तो पूरा भर जाएगा, मगर पूरा भरने के बाद भी कुछ होगा नहीं। आप कितने भी क्लिक कर लीजिए, प्रोसेस वहीं रुका रहेगा। फिर आप नीचे दिए गेट रजिस्ट्रेशन नंबर वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। इसमें पहले डाउनलोड न्यूज डॉग ऐप का ऑप्शन है, यानी आप पहले ये ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर नीचे वही गेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाला ऑप्शन मिलेगा। पेज पर ऊपर की तरफ लिखा है कि ऐप को डाउनलोड करके अपने फेसबुक से लॉगिन करना है तो आपकी पहचान प्रमाणित होगी, इसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। मतलब आप एक ऐप डाउनलोड करें, फेसबुक पर इसका प्रचार करें ताकि और लोग भी देखें और फिर इस लिंक पर आएं। सरकार किसी प्राइवेट ऐप का ऐसे प्रचार क्यों ही करेगी। खैर, इन दोनों ऑप्शंस में से अगर आप पहले गेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले टैब पर क्लिक करें तो एक नोटिफिकेशन आएगा। इसका व्याकरण रद्दी है, जो लिखा है उसका मतलब यह है कि आप ऐप डाउनलोड करें और खुद को रजिस्टर करें तो इससे आपकी पहचान प्रमाणित होगी, मतलब आपको ऐप डाउनलोड करना होगा पहले। हमने ऐप डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये पेज खुला। बाईं तरफ ऐश्वर्या राय मुस्कुरा रही हैं, दाईं तरफ इलियाना डिक्रूज मुस्कुरा रही हैं, बीच में जाने कौन है हम पहचान नहीं पाए। और ये वेबसाइट भी अलग है, इस पर लिखा है ndog.co/h/, इसके बाद कुछ नंबर्स हैं। वो फ्री सोलर पैनल वाली वेबसाइट हमें यहाँ पटक के गई है। इस पेज पर एक लाल रंग का टैब है, उसमें लिखा है 50 रुपये पाने के लिए क्लिक।
ये पेज बताता है कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर ले जाया जा रहा है। बहुत देर इंतजार करते हैं, पेज लोड नहीं होता है, प्ले स्टोर खुलता नहीं है। नीचे लिखा दिखता है कि प्ले स्टोर खुलने में देरी हो तो आप सीधे एपीके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो सीधे फाइल डाउनलोड हो जाती है फुर्ती से। जिस चीज के लिए ये पूरी खुराफात की गई थी वो पूरी हो गई, और वो फ्री सोलर पैनल वाला रजिस्ट्रेशन नंबर वो नहीं मिलता है। मिलेगा भी कैसे, वो तो ट्रैप है। लोग मुफ्त की चीज पाने के लिए ऐप डाउनलोड करेंगे और कंपनी मुनाफा कमाएगी कि इतने लोगों ने उसे डाउनलोड किया है। उसका टारगेट पूरा होगा और मुफ्त की चीज पाने के लालच में लोग उसके झांसे में फंसेंगे। तो आपको पता चल गया कि सारा ड्रामा आपसे ऐप डाउनलोड करवाने का है। सरकार का मुफ्त सोलर पैनल का इस पूरे ड्रामे से कोई लेना देना नहीं है, सब फर्जी है। अगर कोई आपको ये फ्री सोलर पैनल वाला लिंक भेजता है तो आप उसे हमारी इस पड़ताल का लिंक वापस भेज सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा ही कोई मैसेज वायरल होता दिखता है या कोई ऐसा मैसेज दिखता है जिस पर आपको शक है और आप उसका सच जानना चाहते हैं तो हमें lalantopmail@gmail.com पर भेजिए। हम उसकी पड़ताल करके सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे। हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल द ललन टॉप सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।